गाइज मैं तो बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो गया। मैं आया था आप लोगों को इतनी दूर पॉइंट दिखाने के लिए। पूरा फोग हो रहा है यार, कुछ दिख नहीं रहा। अभी टाइम क्या हुआ यार, सूरज में मेरे हिसाब से नहीं होते हैं। तुम अभी 16,000 फीट ऊपर है। अच्छा अभी 16,000 फीट ऊपर है हम लोग। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कहते हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत आप लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कहाँ शूट कर रहा हूँ मैं, काफी अच्छी लोकेशन है, ब्लॉग पूरा देखना, काफी मजा आने वाला है। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, मैं अभी हूँ भीमा शंकर से, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक्सप्लोर करूंगा लोनावाला एक्सप्लोर करूंगा। तो वहाँ पर काफी सारी चीजें है, काफी सारी चीज दिखाने की। जहाँ पर एक झरना होता है, जहाँ से अपन पानी फेंकेंगे वो पानी वापस ऊपर आ जाता है, वो झरना भी आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ की काफी अच्छी लोकेशन, जो की आप लोगों के सामने है। भाई साहब यहाँ के बादल देखो, यहाँ की लोकेशन देखो कितनी प्यारी है। तो फिलहाल मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पर, और बाइक लेके मैं चलता हूँ सीधा लोनावाला, क्योंकि होने वाला है 100 किलोमीटर का सफर यहाँ से। चलो गाइस, फिलहाल ना पत्थर बहुत ज़्यादा मतलब फिसलन वाले हैं, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस अपने बाइक के पास। देन वहाँ पर एक झरना है, आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। अब भाई सामने मेरी बाइक खड़ी है, लेके चलते हैं लोनावाला। अभी इसको फ़ोटो और खिंचवानी रहेगी, देखना कितनी देर से फ़ोटो ही फ़ोटो 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 कर रहा है। चले चलो भाई। सो गाइस फिलहाल मैं आ गया अपनी बाइक के पास, जो कि मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पर। और यहाँ से अपना बैग कौन गिरा दिया यार, बैग क्या क्या गिर गए। चश्मा कहाँ है, एकदम सेफ रखा है यार अभी तक यहाँ पर। चलो भाई तू चलाएगा बाइक तो, चश्मा क्यों ले रहा है। तो भाई इस लोकेशन को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। मन तो नहीं कर रहा बाय बाय कहने का, बट सीरियसली गाइस ये लोकेशन काफ़ी मन को भा गई। जब भी मन उदास रहेगा भाई, पेट्रोल लगेगा 1,000 रुपये का, पर आ जाया करूँगा यहाँ पर, आएगा ना मोहित। तो अब चलते हैं अपन लोग लोनावाला, वहाँ की लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी मजा लेते हैं भाई। चलो तो गाइस अभी पता है राजगुरु नगर आए, क्या लोग भाई साहब यहाँ पर आते ही हमारे स्वागत हुआ है भाई बारिश के साथ है। और अपनी रानी भीग रही है एकदम मस्त, काफ़ी बारिश आ रही है और हमको लोनावाला पूछने में 1 घंटा और लगेगा। तो बारिश को रुकने का वेट करते हैं, बाकी भीग चुके पूरे और फिर भी वेट कर लेते हैं थोड़ा। सो गाइस फिलहाल हम लोग लोनावाला पूछ चुके हैं, काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ा भाई, इतनी बारिश जब समझ में नहीं आ रहा। अभी भीगा पड़ा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड में, पहाड़ी की साइड में, जहाँ पर सारे पॉइंट हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं अपन लोग। और मैंने सुना था कि यहाँ पर एक ऐसा झरना है जहाँ पर पानी डाल देंगे ना तो ऊपर ही पानी बहता है वो पानी, तो वो झरना मेरे को देखना है आज। चलो देखते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें तो अपने को अब देखनी है। नाश्ता वगैरह हो चुका है फिलहाल फिनिश, और अभी बारिश रुक चुकी है तो मैं रेनकोट भी उतार चुका अपना, कभी भी आ सकती भाई, तो मौसम कोई भरोसा नहीं है। तो बाइक लेके निकलते हैं, बाइक में काफ़ी गंदी हो गई तुम्हारी साहब, क्या ही हो गया बाइक का, कल ही परसों धुलाया था इसको, पहले हेलमेट दे मैं लेके चलता हूँ। चलो फिलहाल है ना हम लोग लोनावाला के हिल पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, तो उसके एक पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से आप लोगों को ऊपर का ये पहाड़ है ना, जब कहता है ना पूरा पहाड़ ये है ना झरना बन जाता है, मतलब पूरे पहाड़ से पानी आता है, पूरा पहाड़ झरना बन जाता है। सामने जो आपको पहाड़ दिखता है ना, ये पूरा पहाड़ से झरना बह के आता है। अभी फिलहाल तो पानी नहीं आ रहा, बट मैंने इस झील में पहली बार पानी देखा है, और इसमें तो पहली बार सब कुछ देखा है तेरे। तो अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते गाइस। गाइस ये क्या हो गया, गाइस ये क्या हुआ, हम तो आए थे पॉइंट देखने के लिए और ये क्या कर दिया भाई, इधर इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है, धुंध हो रखी है भाई। जब देख दे हाँ बस। तो भाई अभी देखो इतनी धुंध नहीं है, ये बादल है भाई, बादल कर तो भी चोली कावर को पानी, ऐसा वाला बादल वो दिए चला, स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में, अभी ये चला रहा है ये भाई, ये चला रहा है, देख सीधे रहा है और ये स्टीयरिंग मैं संभाल लेता हूँ। और इधर भाई धुंध देखो भाई साहब, ये बादल वादल है। अब बताओ मैं आप लोग क्या पॉइंट दिखाऊं भाई। गाइज मैं तो बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो गया। मैं आया था आप लोगों को इतनी दूर पॉइंट दिखाने के लिए, लोनावाला एक्सप्लोर करवाने के लिए, सॉरी एक्सप्लोर, ठीक है। और यहाँ पर आके पता लगा भाई लोनावाला ही है नहीं, यहाँ तो धुंध है, चोट हो गई गाइज। इधर देखो क्या है, इधर क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को। और यार गाइज एक बात बताऊं, मौसम इतना मस्त हो रखा है, ये क्या ही बताऊँ आप लोगों को, चोट तो नहीं हुई, मौसम काफ़ी मस्त है, मतलब इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई साहब। इधर रोकते हैं गाड़ी, देखते हैं मौसम का एंजॉय करते हैं भाई, मौसम है, मौसम बन रहा है। सामने गाड़ी आ रही दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, और उधर ही एक
गाड़ी ओवरटेक कर रही है। पागल तो पागल तो नहीं हो गए भाई इस तरह, मतलब इस टाइम। और पता है यार इधर है टाइगर पॉइंट, लॉयन पॉइंट है, सॉरी लॉयन पॉइंट है, बट कोई फ़ायदा नहीं है भाई इधर जाने का, क्योंकि यहाँ पे प्योर अंधेरा हो रखा है। अभी 4 बजे का समय हुआ है और 4 बजे अंधेरा हो चुका है इधर। देखो भाई मस्त ही ना भाई इधर का। तो मैं इस रोड पे रोक रहा हूँ फिलहाल, तो काफ़ी सही था यार। लोनावाला आए चले गए, एक्सप्लोर कर दिया लोनावाला। वो वाला वाटरफॉल मतलब इधर है, इधर वाटरफॉल जा रहा है, देखो पानी जा रहा है इधर। इतनी हिम्मत नहीं है हमारी कि इधर जा पाएँ, क्योंकि इधर फॉग इतनी ज़्यादा हो चुकी है। 4 बजे इतनी फॉग है, अंधेरा हो चुका है पूरा, लाइट जला के देखने पड़ रहा है भाई। क्या ही मस्त सीन है लोनावाला। आओ ना तो भाई आपको यही फेस करना पड़ेगा सारा सीन, मतलब ऐसा सीन मिलेगा। अभी तो सब कुछ दिख रहा था, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, पूरा एकदम हाइड हो गया। अभी तू भी खो जाएगा तू, क्या देखने गया पता नहीं। अरे नीचे जाएंगे जब दिखाऊंगा आप लोगों को। गाई जी तो कुछ भी नहीं मिला मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा फॉग हो रहा है यार, कुछ दिख नहीं रहा। अभी टाइम भी क्या हुआ यार, सूरज भी मेरे हिसाब से नहीं गया होगा, अभी सनसेट नहीं हुआ होगा, फिर भी इतना ज़्यादा धुंध अंधेरा हो चुका है। कुछ नहीं मिला, भुट्टा मिला है हमको, भुट्टा खा के जा रहे हैं कभी पास, मस्त गरम गरम भुट्टा बना रहे हैं। मौसम भी एकदम गरम गरम हो रखा है भुट्टा खाने का ही, क्या मस्त है भाई। मतलब ठीक है, जैसा भी कुछ दिख तो नहीं रहा, बाकी हम लोग नीचे उतर रहे हैं थोड़ी देर में, बूसी डैम देखते हैं भाई जाके नीचे। सो गाइस एक बात पता लगी है मेरे को, मैं पूछ रहा था अंकल से, अंकल ये बादल अगर यहाँ पर घूम रहे हैं तो यहाँ पर बारिश कैसे होती है, कैसे होती है बताओ। एक बार आया पानी तो सब एक ही साथ बूम ज़्यादा गिरता है। तो जैसे कि ये जो बादल घूम रहे हैं ये इधर की इधर बारिश कर देते हैं। तुम अभी 16,000 फीट ऊपर है। अच्छा अभी 16,000 फीट ऊपर है हम लोग। तो ये जो बादल है जब बारिश होती है तो ये इधर की इधर हो जाती है, ऊपर से नहीं बरसता पानी, इधर ही बरस जाता पूरा, इधर ही बरस जाता। चल सही है। तो एक ज्ञान की बात सीखने को मिली अभी, पर भुट्टा खाऊंगा मैं, ठीक है। मिल गई। अब भूसी डैम देखते हैं, भूसी डैम तो बढ़िया होगा ना नीचे। हाँ उधर तो सही है, उधर का मौसम सही है। हाँ चलो गाइस उधर चलते हैं, उधर देखते हैं जैसा भी है, बाकी भुट्टा खा के निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मतलब मौसम काफ़ी काफ़ी मस्त है, और ये बादल है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार बादलों में घूमने में आज। काफ़ी अपनी एमटी और ये बादल और मैं और मोहित, एमटी बादल मैं मोहित चारों जने, बादल मैं, हाँ मैं मोहित, मैं मोहित, मैं और मोहित, मैं और मोहित, हम जा रहे हैं छोड़, हम जा रहे हैं भूसी डैम, भूसी भूसा हुआ है क्या वो, चलो देखता हूँ इधर। देखो इतना ऐसा कोहरा है, ठीक है, नीचे जाने के बाद देखते हैं कैसा मिलेगा अपने को, ठीक है, देखते हैं गाइस। सो गाइस अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, और भाई वहाँ पर क्या ही बारिश आई, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, इतनी ज़्यादा बारिश आई वहाँ पर, मैं तो पूरा भीग गया, और मेरे पैरों की हालत क्या हो गई आप लोग ये देख सकते हो, ये हालत हो गई थी भाई घर तक पहुँचते पहुँचते। और मैं बिना थके बिना सोए लगभग 500 किलोमीटर भाई 500 किलोमीटर बाइक से राइड किया था। काफ़ी मेहनत लगती है भाई, काफ़ी मेहनत, मतलब काफ़ी मज़ा आया, फिर भी काफ़ी एडवेंचर भरा सफ़र था मेरा, काफ़ी मज़े भी आए, काफ़ी सीन्स देखने को मिले, नए नए मतलब एक्सपीरियंस मिले हम लोगों को, और राइड काफ़ी अच्छी रही हमारी, और काफ़ी आप लोगों ने देखा भी कैसे क्या स्ट्रगल चलता रहता है वो, तो बाकी मज़ा काफ़ी आया, ठीक है, और मज़ा के साथ सजा भी मिली। अभी तो रात के बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, मैं पूछा था लेट ही पूछा था मैं अभी, और अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार सोया नहीं, तो बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर देना भाई, एटलीस्ट लाइक तो कर देना, तो बाय बाय।